म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सरूनाबाद ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से वफाक और दीगर सूबों के बराक्स मामूली इजाफा करने के खिलाफ जारी हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी धरना दे दिया। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हरूनाबाद के मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी। दफातर की तालाबंदी करके म्यूनसिपल कमेटी के अहाता में एहतजाजी धरना दे दिया। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हरूनाबाद के सदर चौधरी अबैदुररहमान अराई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन और पेंशनस के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है और इम्तियाजी नारवा रवैया बिल्कुल वाजह है, जो सरासर मुलाजमीन और पेंशनर्स के बुनियादी हकूक और आइनी तहफ़ के बराकस है। वफाक और दीगर सूबों ने तनख्वाहों में 35 और पेंशन में 17.5% इजाफा किया, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में 30% और पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा किया, जो कि एक मुल्क और एक असूल की खुली खिलाफ वर्जी है। इनका कहना था कि हमारे म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का एहतजाज हमारे मुतालबात मंजूर ना होने तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रहे थे मुदस्सर सुहेल, नुमाइंदा ग्रेट न्यूज़ हरूनाबाद।